मैं डिग गया पीछे और मैं गया आगे। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। यार एक मामला ये हुआ, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। शुरू करें हमजा की दास्तान। यार हमारा एक कजन है हमजा, हमजा चंचन। ब्लॉग तो उसके पास जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, हम डरते हैं बता रहे हो, डरते हैं। खैर यार उस हमें ना नया नया शौक था, ये उस टाइम था कोई 15-16 साल का, मैं भी होगा कोई 13-14 साल का, ये होगा 8-9 साल का, और वो छनकरा था वो भी मेरे जितना ही था, 13-14 साल का जी। हाँ तो हम एक फोर्थ की थी, तो वो मतलब दादी थी हमारे बड़ों की, मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी दादी कहते थे। हाँ हम भी दादी कहते थे, तो उनकी एज काफ़ी अच्छी थी, मतलब माशाल्लाह बड़ी अच्छी एज गुजार की गई है वो। तो ना उनकी फौत की थी, तो हम लोगों ने कहा चलो यार बाइक चलाते हैं, तब छोटे छोटे से थे नहीं आती थी चलाने। तो हमारे मामू की बाइक थी एक इफान, लिफान। अब वो बाइक की खासियत ये थी, बाइक होता रेडी जा रहा है वो बाइक फिर भी पीछे है। पहले कौन चलाएगा, तो अंदरून था, छोटी छोटी रोड थी, तो छोटी छोटी रोड थी, हमने कहा चलो भाई चलाते हैं। हम लोगों ने प्लान बना लिया, तो हमारे कजन है प्यारे से वो इस वक्त ऊंचा बैठे हुए हमजा भाई, विदाउट हर वाइफ, हिज वाइफ। यार हमें ना बड़ा शौक था कि हमने ना बाइक चलानी है। तो अब होता ये था कि हम में से उस तरह से किसी के पास उस टाइम बाइक नहीं थी, तो हमें जिस बंदे की बाइक हाल लगी हमने तोड़ा नहीं। अब कोई उस तरह से हमें देता नहीं था कि बच्चे है कोई मार मूड ना दे। हुआ यही बाइक मिल गई, चाबी ले ली, ये इस कजन को हमने भेजा आगे कि जा मामे से चाबी ले के आ, ये चला गया चाबी ले, मैं साथ गया, हम दोनों चाबी तो ले आए। अब हमने ना इस चीज पे रहे कि हम एंड पे चलाएंगे, ज्यादा चला लेंगे मजा आएगा चलाने का, हम बड़े खुश थे जी बाइक चलाएंगे। हमने कहा हमजा तू चला, उसको बाइक दे दी। यार उसने जब किक मारी ना, हमें लगा कि हमें ना इसको नहीं देनी चाहिए। वो हम इसलिए चुप है ये क्योंकि वो मौलवी आ रहे हैं मस्जिद से, और सीन ये था भाई नीचे बाइक ऊपर और फंसी हुई है बाइक बाइक के बीच में, और अब हमें डर ये बाइक ना टूट रहे और दूसरी जगह पहुंच गई। सारे रो रहे और हम इधर पागल हुए। ये भाई अच्छा ये जो भाई इतना ये हमारे प्यारे हैदर भाई, प्यारे मोहन, ये ना आए हमारे पास ना एक दिन, यहाँ बहुत पुराने हम थे, इनकी ये आए थे किसी आपी के साथ, तो उनकी गाड़ी थी कोई स्विफ्ट थी शायद बिट थी। भाई कहते आओ हम आपको गाड़ी चलाने सिखाते हैं, हमने कहा ठीक है। गाड़ी थी हैंड ब्रेक में, इसको नहीं पता था हैंड ब्रेक में, इसने गियर डाल के हल्का सा आगे हुआ, गाड़ी चल नहीं रही थी, बिट थी ऑटो थी, ऑटो में हैंड ब्रेक था, ऑटो में हैंड ब्रेक थी, मैंने आगे की मैंने पीछे की, मैंने कहा ये देखो भाई एक कदम भी नहीं आगे हुआ, हल्का सा झटका पड़ा आगे, हल्का सा पीछे, बाहर आ गए थे। This is cars. This is our mafia place. फिर भाई साहब ये जो हमारे पीछे बैठे अलबाज भाई, आप देख सकते हैं, दिखा मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये अलबाज भाई और ये हमारे हैदर भाई, जरा जाना मैं आप दोनों की एक स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ। तो ये वही वाला ये हमारे अलबाज भाई और ये हैदर भाई। अच्छा चलो जी, आप भी अलबाज की कहानी, अलबाज की जुबानी। वो कहानी ये थी जो की बड़ी स्मैक्सी थी, वो ये थी कि इस भाई को ना मिल गई फिर से मामे की बाइक,
लेकिन इस बार लिफान नहीं थी, लिफान थी बिल्कुल, लिफान लिफान ही थी। 70 थी, 70 थी, 70 थी। हां वो चला थी होंडा 70 थी। भाई उस बाइक पे हम गए, ये ना मुझे बिठा गया, कहता चला चलिए, मैंने कहा चल चले। ट्रायंगल ग्राउंड था तो अब ये बड़ा सयाना था अपनी तरफ से, ड्रिफ्टर बना हुआ था। ट्रायंगल ग्राउंड है, उधर से बाइक स्पीड में 60-70 की स्पीड पे जा रहा है और उसी स्पीड में बाइक काट रहा है। अच्छा अब अंदर जाते जाते बाइक अंदर प्लॉट में ले गया। बात ये देखिए, मैं अभी टर्न पे था, मैं काट रहा था, भाई जान को लगा कि बाइक बच गई है, भाई ने मारी छाल, भाई डिग गया पीछे और मैं गया आगे। लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान। मैं ट्रैक में फिक्स हूँ, मैं भी और अलबाज का असल में रोजा था और इसका सर लगा था दरख्त में, जमीन में, और गिरा भी नहीं था इतने छलांग मारी। और अलबाज जो था ना, अलबाज बेहोश था और ये करता। खैर फिर अलबास को हॉस्पिटल लेके गए, फिर अलबास की जुबानी। फिर मुझे ना जब मैं होश में आया, तो होश में तो मैं ऐसे आया कि लोग काफी लोग खड़े हुए थे, मुझे होश होश दिलाया, मुझे ना फौरन उठा के ले गए हॉस्पिटल, इधर पास ही है। वहां पे ना मेरे पास आई एक नर्स, नर्स आके मुझे कहती टीका कहाँ लगाऊं। अब मैं वहाँ पे सोच पे के वहाँ मैं किससे लगाऊंगा नहीं, तो मैंने उसको कहा, उसने लगाया नहीं, मैंने उसको कहा एक काम करो आप बाजू पे लगा दो। मैंने उसने मुझे बाजू पे टीका लगाया, हालांकि उसने मुझे कहा कि फायदा है आप इधर लगवा लो। मैंने कहा मैंने फायदा नहीं ले रही, तो इधर लगा। भाई बात ये कि हमने तो कर लिया था अल्लाह हाफिज, लेकिन उसके बाद ना हमारा ये पीछे बैठा हुआ, ये पीछे बैठा हुआ है, इसने कहा बोतल पीने का दिल कर रहा है, बस फिर हम निकल आए। और ये पांचवी दफा है, और ये पांचवी दफा दो दफा तो हम कैफे की वजह से कहीं बैठने की जगह मिलते, फिर एक और बार घर आते हुए वो नहीं शायद रिकॉर्ड, फिर अब ये चार डिस्काउंट, इसका बैठ कम हो रहा है, हमारी जिंदगी कम हो रहा है। ये लस्सी है, तीन दो दो मैं नहीं पीता यार, एक मामला ये हुआ। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। अगर क्वालिटी में आप लोगों को कोई इशू आए, आईफोन यूजर है, मोबाइल रेड है मेरा, फ्लेक्स मार रहा हूं, इसके लिए रिश्ता ढूंढोगे यार, इसको शादी करनी जी, ठीक है समझ गया, और मेरे लिए मोबाइल ढूंढो, मोबाइल वाली, चलो एक ही बात है। मैं चाहता हूँ कोई ऐसी जिसका आईफोन का बिजनेस हो। हैदर भाई आप क्या कहते हैं? चलो भाई देखो अपने क्या करते हैं, ठीक हो यार, देखो शादी करो किसी एक से मगर नेक से, बात इतनी सी है, अल्लाह ताला जैसे इस्लाम में चार जाए। तुम एक ये तुमने देखो, अगर मेरी आपसे खुश है और अगर वो आपको इजाजत देती है तो आप चार शादियां करो। सारे मिलके बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत नेक विचार है लड़के के। देखो बात मुझे मैं चुप रहने दो, मुझे अपने घर चलना है। मेरा मोबाइल ऑफ हो गया, बताना हमें मार दो, मेरा मोबाइल बंद है, मार दो मुझे, मार दे। ओए लस्सी आ गई, लस्सी आ गई, लस्सी आ गई, माल आ गया, आ गया, आ गया, लस्सी ये ब्रो, ब्रो लस्सी लेके आया, ब्रो ब्रो लस्सी लेके आया यार, इसके लिए कुछ है, इसको कुछ पिलाने के लिए। ओके भाई जान, बोतल बोतल है, दूध वाली बोतल है, दूध वाला दूध, नहीं 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 हम इसको प्यार से हैडी कहते हैं, प्यार से तो इसको बड़ा कुछ कहते हैं, याद रखेगा। फिर दो लफ्ज उसमें मैं भी कह देता हूँ, अरे
भाई यहाँ गुटखा लेकर आओ ना जरा। अबे भाई मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं पहली बता रहा हूँ। बॉयज क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। एक वक्त होता था मैं भी ऐसे जाता था पागल के नाम क्रिकेट खेलने। एक दफा मैं क्रिकेट खेलने गया, वो चाहे खेल के आ इसको इसको सुनोगे मेरे मुंह से कुछ जल्दी बात। खैर आप इसको ना, एक दफा मैं क्रिकेट खिलाने चला गया, ये चंकना, मैंने इसको कहा कि तू मेरी बैटिंग देखी, बड़ा प्लेयर हूँ मैं। ये चंकना रिक्शे में सोता रह गया, मैं बैटिंग उटिंग करके बाहर आ गया। जब मैंने आगे कहा यार वो तो ये भाई बिना सुलाए मुझे जबरदस्ती लेकर गए। और ये पता है ये भाई का फोन पड़ा जेब में और वो डायल हो रहा है। चलो हमारे फोन ऐसे ही होते हैं ना, हमें थोड़ी ना मैसेज आने हैं, घर आ जाएं, टाइम देखें, जल्दी आते दे। लेकिन खैर चलो छोड़े, अब लंबी बात हो जाएगी। बिल्कुल खैर यार, आप लोग अपना रखें बहुत सारा ख्याल। भाई ने अपनी जिंदगी में ना जब भी प्यार किया ना दीन देखा ना धर्म देखा। भाई को अब क्या कहें भाई, इस पे क्वाली लगा दी हम सताए हुए। भाई इधर देखो, हाँ इधर देखो ऐसे। हम सताए हुए बस, टाइम टू लीव द प्लेनेट। भाई उधर क्वाली लगी जाम पर, जाम पीने से क्या फायदा, कहता है मुझे जाम ला के दो। और उसको जिसको कौन समझाए, जाम हमारे कौन से होते हैं, पेप्सी जैम होता है हमारा, कोला जैम होता है हमारा, मिक्स फ्रूट भी तो होता है। या ब्रो खैर यार, आज कल लोग अब करते यहाँ पे, अब बाकी वाला एंड है। और अब बाकी वाला एंड है, बस मैं घर जा रहा हूँ, ऊपर से मोबाइल मांग रहा गाइस, मैं आपको वो बता रहा हूँ। खैर अमास साहब का थैंक यू, उसने अपना मोबाइल हमें प्रोवाइड किया। इतने अपने लिप्स दबा के क्यों हंस रहा है ये? ऐसी लगी है। खैर यार इसी के साथ ब्लॉग करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़।